हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे थ्री मेजर क्रिकेट इवेंट्स ऑफ 2019 अनडाउटली क्रिकेट के लिए बहुत एक्साइटिंग होने वाला है, जहां पर हमें आईसीसी के कई ऐसे इवेंट्स देखने को मिलेंगे जिनका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस साल होने वाले आईसीसी के तीन मेन इवेंट्स के बारे में। तो अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, द 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप। विदाउट एनी डाउट इंग्लैंड में होने वाला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 के क्रिकेट कैलेंडर का सबसे बड़ा इवेंट होने वाला है। एंड इस साल वर्ल्ड कप में सिर्फ 10 टीम्स ही खेल रही हैं, जिस वजह से वर्ल्ड कप बहुत स्वीट, एक्साइटिंग और सस्पेंस से भरा रहने वाला है। 2019 वर्ल्ड कप 30 मई से 14 जुलाई के बीच में खेला जाएगा, जहां पर डिफेंडिंग चैंपियंस ऑस्ट्रेलिया 6वीं बार ये टाइटल जीतने की कोशिश करेगी। एंड होस्ट इंग्लैंड अपना मेड इन वर्ल्ड कप जीतने की उम्मीद से उतरेगी। एंड विराट कोहली की लीडरशिप में इंडियन टीम भी वन ऑफ द फेवरेट टीम है इस वर्ल्ड कप को जीतने के लिए। नंबर टू, द एशेज। वर्ल्ड कप के बाद खेली जाएगी क्रिकेट की हिस्ट्री की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सीरीज, द एशेज। एशेज एक टेस्ट सीरीज है जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में खेली जाती है। 2017 की एशेज सीरीज में ऑस्ट्रेलिया से 4-0 से हारने के बाद इंग्लैंड 2019 में एशेज सीरीज जीतने की पूरी कोशिश करेगी। एंड इस साल ये सीरीज इंग्लैंड में ही खेली जाएगी, तो इसका भी एडवांटेज उन्हें मिलेगा। एशेज 1 अगस्त से स्टार्ट होगी, जिसमें 5 टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे। एंड फैंस में इसकी हाई डिमांड की वजह से इस सीरीज के टिकट्स पब्लिक बैलेट्स के थ्रू सेल किए जाएंगे। एंड मोस्ट प्रोबेबली हमें इस सीरीज में बैंड क्रिकेटर्स डेविड वार्नर एंड स्टीवन स्मिथ भी अपने राइवल इंग्लैंड के अगेंस्ट खेलते हुए देखेंगे। एंड ये सीरीज ब्रिटिश बॉलिंग लेजेंड जेम्स एंडरसन की फेयरवेल सीरीज भी हो सकती है। एंड अगर ऐसा हुआ तो वो इंग्लैंड के दी मोस्ट सक्सेसफुल टेस्ट बॉलर बनकर अपना करियर एंड करेंगे। नंबर थ्री, द टेस्ट चैंपियनशिप। पिछले कई सालों से डिले हो रही टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप फाइनली 2019 में खेली जाएगी। ये टूर्नामेंट आईसीसी की टॉप 9 टेस्ट रैंक टीम्स के बीच में खेला जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। और इस 2 साल तक चलने वाले टूर्नामेंट की शुरुआत जुलाई 2019 में होगी। बाइलेटरल सीरीज की सिग्निफिकेंस बढ़ाने के लिए आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के आइडिया के साथ आई। 2010 में आईसीसी ने इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के आइडिया को अप्रूव किया था, और इस आइडिया को एक्शन में लाने में आईसीसी को करीब 10 साल लग गए। एंड अगर इस चैंपियनशिप के फॉर्मेट की बात करें तो इसमें 12 में से सिर्फ 9 टेस्ट प्लेइंग नेशंस ही पार्ट लेंगे। एंड सभी टीम्स 6 बायलेटरल सीरीज खेलेंगी, 3 अपनी कंट्री में और 3 अपनी कंट्री से बाहर। और सीरीज के हर एक इंडिविजुअल मैच जीतने पर पॉइंट्स मिलेंगे, जिस वजह से हर मैच इम्पोर्टेंट होगा। और पॉइंट्स टेबल की टॉप टीम्स के बीच में फाइनल खेला जाएगा 2021 में। ये थे इस साल होने वाले आईसीसी के 3 मेजर क्रिकेट इवेंट्स। एंड आप इनमें से कौन सी इवेंट को देखने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है, वर्ल्ड कप, एशेज या टेस्ट चैंपियनशिप, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही क्रिकेट से रिलेटेड वीडियोस हर हफ्ते डालता हूँ। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।